आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने अभी तक अमेज़ॉन पे लिस्टिंग के ऊपर तीन तरीके की वीडियो बनाई है। एक तो अमेज़ॉन की वेरिएशन लिस्टिंग के ऊपर, एक अमेज़ॉन की ब्रांडेड आइटम्स की लिस्ट कैसे करें इसकी जानकारी दी है, और एक मेरी वीडियो बनाई है कि अमेज़ॉन पे जेनरिक यानी कि लोकल लोकल प्रोडक्ट्स को कैसे लिस्ट करते हैं। तो जब मैंने ये लोकल प्रोडक्ट्स यानी कि जेनरिक प्रोडक्ट लिस्टिंग की वीडियो बनाई थी, तो बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था कि हम जब लिस्ट करते हैं तो उनके प्रोडक्ट के ब्रांड नेम में जेनरिक लिखा आता है, समझ रहे हैं आप। तो बहुत सों ने मुझसे पूछा क्या कोई तरीका है कि मतलब जेनरिक ना लिखा है और समझ रहे हैं हमें लिस्टिंग भी हो जाए लोकल प्रोडक्ट की। तो उसमें दो तरीके होते हैं आमतौर पर, या तो होता है कि अपने अगर ब्रांड नेम से आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, जाहिर सी बात है क्योंकि अब जेनरिक आपको लेना नहीं है और ब्रांडेड प्रोडक्ट तो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उसके लिए प्रोसीजर ही अलग है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट लोकल है और आप उसको जेनरिक ब्रांड नेम में नहीं डालना चाहते हैं तो उसमें आपको अपने नाम से भेजना होगा। और अपने नाम से कैसे बेचते हैं, इसके दो प्रोसीजर हैं, एक मुश्किल प्रोसीजर है एक आसान प्रोसीजर है। मुश्किल प्रोसीजर वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो मुश्किल प्रोसीजर वो होता है ट्रेडमार्क लेना, वो हर कोई ले नहीं पाता है, ठीक है। तो दूसरा एक आखिरी रास्ता बचा, G10 एजम्पशन लेना। अब ये G10 एजम्पशन लेना कोई बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, अब अमेज़ॉन से ही ले सकते हैं। इसमें आमतौर पर होता क्या, आप अपने कुछ भी जो भी नाम आप रखना चाहते हैं उस नाम से प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ अपनी लिस्टिंग का। आप यहाँ देखिए, एक ये मैंने प्रोडक्ट लिस्ट किया है, ये प्रोडक्ट ब्रांडेड तो 100% नहीं है, ठीक है, कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट लोकल है। लेकिन मैंने इसके ब्रांड नेम में देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रांड RMV, मतलब कैपिटल में RMV। तो मैंने ये कैसे किया, इसमें जेनरिक भी नहीं लिखा है और कोई ब्रांड नाम ब्रांडेड नेम भी नहीं है, ऐसे ही है, मतलब समझ रहे ना, लोकल टाइप का ब्रांड नेम। तो ये कैसे करना है, बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं, वो लिखना चाहते हैं कुछ, जैसे कोई लिखता है भगवान के नाम पे, कोई गणेश एंटरप्राइज लिख देता है जो भी है, या फिर कोई शक्ति लिख रहा है, कोई शिव शक्ति लिख रहा है, कोई RBD ABCD कुछ भी लिख रहा है, A to Z लिख रहा है, जो भी है, ठीक है। तो ऐसे कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको G10 एजम्पशन लेना होगा। आपको इसकी मैं आज की लिस्टिंग बताऊंगा G10 एजम्पशन से कैसे करते हैं, ये RMV का एग्जाम्पल लेकर ही। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इन्वेंट्री पे आना है और एड अ प्रोडक्ट पे यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है। अरे ज़्यादा ही जूम हो रहा है ज़रा, अब ठीक है। यहाँ पे आपको दबाना है I am adding a product not sold on Amazon, ठीक है। यहाँ आपकी जो भी कैटेगरी होगी आप चुनेंगे, चुन लिए बेल्ट, और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से जो भी आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अब सबसे ज़रूरी काम हमें लेना है क्या, G10 एजम्पशन। हमें G10 एजम्पशन के साथ काम करना है। अब उसके लिए क्या करना होगा, G10 एजम्पशन लेने के लिए आपको जो जिस भी नाम से बेचना है, जैसे कि मैंने RMV नाम से बेचा है, उस नाम से G10 एजम्पशन लेना होगा, अमेज़ॉन ही से ही लेना है। अभी अमेज़ॉन से G10 एजम्पशन जब आप लेंगे तभी आप यहाँ पे लिस्टिंग कर पाएंगे। तो G10 एजम्पशन कैसे लेते हैं, मैंने इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है ना। उसमें G10 एजम्पशन लेना बताया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं सीख लिया वीडियो देख के कि G10 एजम्पशन कैसे लेना है, तो अब आपको मिल भी गया, तो उसकी लिस्टिंग कैसे होती है, सबसे पहले तो आपको बताऊंगा G10 एजम्पशन में क्या होता है। आप उसको लेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, नाम डालेंगे, कुछ इमेजेस मांगेंगे वो कि दिखाओ प्रोडक्ट की, खींच के डाल देंगे और आपको विद इन 24 घंटे के अंदर जवाब दे देंगे। आमतौर पर तो उसी दिन दे देते हैं, ले 48 आवर्स भी किसी किसी केस में लग सकते हैं, आपको जवाब दे देंगे आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर दे देंगे कि आपका G10 एजम्पशन अप्रूव हो गया है, आप उस नाम से लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा एक बात ध्यान रखनी है, आपका जीटन एग्जम्पशन अप्रूव हो जाए तो आप उसी कैटेगरी और उसी नाम, बिल्कुल मतलब केस सेंसिटिव होना चाहिए नाम, मतलब कैपिटल में लिया है या पहला लेटर कैपिटल है या सारे स्मॉल हैं, तो उस हिसाब से ही आपको जीटन एग्जम्पशन में मेंशन करना है। वो बात की बात है, वो जब मिल जाएगा। अब आपको वो लिस्टिंग कैसे करनी है इसकी, ऐसे सीखना है आपको, तो आपको बताया था हूँ। सबसे पहले वेरिएशन से, प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन नहीं है। अगर आपको वेरिएशन सीखनी है कैसे बनाना है प्रोडक्ट की, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लोजर टाइप, अपने प्रोडक्ट की पहले तो इन्फॉर्मेशन भरनी है। अब सबसे जरूरी आया था प्रोडक्ट आइडिया। इस प्रोडक्ट आइडिया में आपको क्या करना है, देखिए आप जी टेन एग्जम्पशन आपने लिया है तो आपको इनमें से चुनना है जी टेन, ठीक है। जी टेन आपने चुन लिया, अगर टाइटल नेम डाल देना है, डाल देता हूँ। वैसे मैं इतनी हल्की फुल्की लिस्टिंग नहीं करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो अगर मैं ढंग से लिस्टिंग करने बैठ गया तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। भाई मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना, वो तो मैं लिस्टिंग बाद में भी कर लूँगा, ठीक है ना। और यहाँ ब्रांड नेम में सबसे जरूरी आपको क्या डालना है, मैंने लिया आर एम वी, ऐसे ही एज इट इज डालूंगा मैं आर एम वी, ठीक है। ये जी टेन एग्जम्पशन लिया था मैंने इस नाम का आर एम वी, ठीक है। यहाँ जी टेन चुनेंगे या आर एम वी हो गया। मैन्युफैक्चर पार्ट नेम डाले अपने हिसाब से कुछ, जेंडर प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन अगर कुछ है तो आप डाल सकते हैं, जैसे कि नॉन वॉशेबल है और ड्राई क्लीन ओनली है। वारंटी डिस्क्रिप्शन, जो भी आपकी वारंटी, ओकेशन की डिस्क्रिप्शन फॉर्मल, पैटर्न क्या है चेक, साइज फ्री साइज, साइज मैप फ्री साइज, कलर रेड, कलर मैप, ये कलर मैप वो होता है कि मतलब जो ऊपर जो आपने कलर लिखा है वो कौन से कलर मैप को बिलोंग करता है, मतलब कि अगर आपने यहाँ डार्क ब्लू डाला है मान लीजिए, लाइट ब्लू डाला है, तो वो ब्लू कलर मैप को बिलोंग करता है। अगर आपने जेड ब्लैक डाला है तो ब्लैक कलर में आपको बिलोंग करता है। और आपने कोई भी ग्रीन डाला है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, मिलिट्री ग्रीन, तो वो ग्रीन कलर में आपको बिलोंग करता है। मटेरियल टाइप डाल लेंगे अपना, जो भी होगा मैं डाल लेता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था वेरिएशंस कोई है नहीं। या ऑफर एस क्यू आई डी डाल लेते हैं, पहचानने के लिए होती है। क्या डालूँ, रेड बेल्ट डाल लेता हूँ, ओरिजिन ऑफ कंट्री इंडिया, प्राइस क्या प्राइस मान लीजिए 149 डाला मैंने, क्वान्टिटी डालेंगे, कंडीशन न्यू रखेंगे, ठीक है। एच एस एन कोड, एच एस एन कोड मतलब आपका प्रोडक्ट का टैक्स कोड होता है, या आपको कहीं भी सर्च करके गूगल पे मिल जाएगा। आपने प्रोडक्ट का नाम डालिए, उसके एस एस एन कोड डालिए, जैसे कि मैं बेल्ट बेच रहा हूँ तो उसका एच एस एन कोड होता है 4202, ठीक है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब ये तो आपका सेलिंग प्राइस था कि हम 150 में बेच रहे हैं। और एम आर पी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, मैं डाल दिया हूँ। शिपिंग के भाई ऑप्शंस दिए हैं, या तो अगर आप इजी शिप से करना चाहते हैं, खुद भेजना चाहते हैं तो ये, और आप चाहते हैं कि आपका अमेज़ॉन फुलफिलमेंट वाला हो, एफ वी है, तो ये चुनेंगे। मैं इजी शिप से करता हूँ तो ये चुनेंगे, ठीक है। या मोर एटीट्यूड जब आ देंगे, थोड़ी और डालनी है आपको इन्फॉर्मेशन, तो देखिए इसकी कंप्लायंस इन्फॉर्मेशन तो कोई होती नहीं मेरे प्रोडक्ट की। या इमेज डालेंगे, मैं जल्दी दिखाने के लिए फ़िलहाल एक इमेज डाल देता हूँ, इससे क्या होगा ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा और लिस्टिंग भी सक्सेसफुली करके दिखा दूँगा। ये एक इमेज मैंने डाल दी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखनी चाहिए, अगेन टाइम वेस्ट नहीं हो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, आप ढंग से लिखना डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स वो होती हैं जो एक तरीके से आपके की फीचर्स प्रोडक्ट के दिखाते हैं, जैसे कि मैंने इसमें डाल दिया मटेरियल अपने हिसाब से, वैसे तो आपको डालना है लेकिन एक आइडिया के हिसाब से कह रहा हूँ मैं। मटेरियल क्या है इस प्रोडक्ट का, लेदर है, कलर क्या है, कलर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स में, रेड, ठीक है। जेंडर क्या है, ये भी बुलेट पॉइंट्स में डाल सकते हैं। बुलेट पॉइंट ऐसे नहीं एक एक शब्द का डाला है, आप लंबा लंबा भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। फीमेल, और भी कुछ डाल सकते हैं, जैसे क्वालिटी,
लोकेशन वगैरह और भी चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। लीगल डिस्क्रिप्शन अगर है तो ठीक, नहीं तो नहीं, ठीक है। कीवर्ड्स, इस कीवर्ड्स पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, अभी हाल ही में ही पोस्ट किया था, चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल मैं जल्दी जल्दी डाल देता हूँ। देखिए अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, मैंने आपको ये फटाफट करके दिखा दी, लिस्टिंग लगभग होने वाली है पूरी। इससे आपको जो मेन मकसद था वो भी पता चल गया, लिस्टिंग भी हो गई, टाइम भी ज़्यादा बर्बाद नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप डाल सकते हैं। जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने डाल दी, ठीक है। तो अब मेरे कहने का क्या मतलब था, सबसे जो मेन चीज़ थी ना इसमें लिस्टिंग का, तो मैं आपको कई बार वीडियो बना के दिखा चुका हूँ, सबसे मेन चीज़ थी प्रोडक्ट आईडी में जीटीएन चुनना, और जिस नाम से आपने जीटीएन एजम्पशन लिया है वो नाम यहाँ पर डाल देना। जीटीएन एजम्पशन लेना मुश्किल काम नहीं है, मैं फिर बोल दे रहा हूँ। मैं इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 1 मिनट 2 मिनट लगते हैं जीटीएन एग्जम्पशन लेने में, ठीक है ना। वो आप ले लेंगे, फिर इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने किया, आप देख सकते हैं कहीं भी लाल नहीं है कुछ, मतलब सक्सेसफुली क्रिएट हो गई लिस्टिंग। और मैं सेव एंड फिनिश पर दबा देता हूँ, और ये भाई लिस्टिंग हो गई, ठीक है। अभी लिस्टिंग हो गई और ये कुछ ही मिनटों में शो करने लग जाएगी, यहाँ पर 15 मिनट्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगी कहने। तो ये था, इस तरीके से होती है जीटीएन एजम्पशन से अपने ब्रांड नेम से लिस्टिंग। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, अब आप जीटीएन एजम्पशन ले रहे हैं तो प्लीज़ ये मत कीजिएगा कि आप जीटीएन एजम्पशन में रीबॉक का नाम डालें, वुडलैंड का डालें, भाई उसके लिए जीटीएन एजम्पशन नहीं लगता है, उसके लिए ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लगता है, वो मेथड बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है ना, वो अलग चीज़ हो गई। आप जीटीएन एजम्पशन से कोई नामचीन ब्रांड का नहीं ले सकते हैं, और उन ब्रांड का नेम भी नहीं ले सकते जिनका जीटीएन एजम्पशन या ट्रेडमार्क पहले किसी ने लिया हुआ है, समझ रहे। जैसे मैंने ये जीटीएन एजम्पशन लिया RMV, तो मैंने ले लिया बस, अब कोई नहीं डाल सकता RMV के नाम से। और ऐसे बहुत से सेलर्स हैं जिन्होंने जीटीएन ले लिया एक बार, अब आप उनके नाम से नहीं डाल सकते हैं। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, रेंडमली नाम डाल डाल के चेक करना हो सकता है। बस फ़र्क इतना होगा, जो आप बहुत से लोग पूछ भी रहे थे ना कि हमारे ब्रांड नेम में जेनरिक लिखा हुआ आता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, आपको उससे छुटकारा मिल गया। इससे ये फ़ायदा हुआ, मतलब अपने नाम से आप अब लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।